प्रतापगढ़ में स्काउट गाइड के 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत समापन समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर भंवरलाल मेहरा और अध्यक्षता सभापति कमलेश डोशी ने की। कार्यक्रम में स्काउट द्वारा विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को शील्ड एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर भंवरलाल मेहरा ने मंच से संबोधित करते हुए स्काउट के छात्रों को स्वच्छता की सीख देते हुए प्रतापगढ़ शहर में स्वच्छता के क्षेत्र में हुए उत्कृष्ट कार्य के लिए शहर सभापति कमलेश डोशी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन्होंने नगर परिषद टीम व आम जन के सहयोग से प्रतापगढ़ को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए जाने के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं। स्काउट के छात्रों को भी स्वच्छ मुहिम को आगे बढ़ाना है। यदि आप लोगों की ईश्वर में श्रद्धा है तो आपके सारे काम यूं ही पूरे हो जाएंगे। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हमें पूरी आस्थाएं विश्वास के साथ अपने काम को तन्मयता से करना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। वही सभापति कमलेश डोशी ने स्काउट के विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना की एवं हर परिस्थिति से निपटने के लिए स्काउटर को प्रेरित करने वाले स्काउट गाइड को धन्यवाद दिया कि इन्होंने अपनी मेहनत से इन बच्चों को ट्रेनिंग देकर इससे लायक बना दिया कि आज ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इस अवसर पर दैनिक काटल की आवाज़ के संपादक मनोज राठौड़, ईटीवी भारत प्रतापगढ़ ब्यूरो चीफ यूनुस मंसूरी, फोटो जर्नलिस्ट दिलीप ठाक, सीधा सवाल के संवाददाता दिलीप सेन को पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिले भर के स्काउट एवं सभी गाइड एवं स्काउटर मौजूद थे। मुझे यहाँ के अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि प्रतापगढ़ जिला जो कि एक